बाबूशान यही 4-5 मास पूर्व आपत कनक न्यूज को आसी जो इलेक्शन रहा आसूला मुझ बीजेडी बीजेपी कांग्रेस को जीवन आपत कहते मत इलेक्शन कथा पचारे कि एथर आप नवीन नवास भी देखा 5T अध्यक्ष जी रही आगु सी विभिन्न फोटोग्राफी आपणकर सांगे रे जेहेतु गोटे बड़ स्टार देख लु बाबूशान गोटे बड़ स्टार तो आम चर्चा कलु कैंपेनिंग केमती रहा बाबूशान बहुत बढ़िया रहा खरा बहुत होता किंतु बहुत बढ़िया रहा भल रहा दुख लगला कि जो आप प्रचार कले जो दल प्रचार कले से हारीगला दुख लगलानी खुशी लगला मत नवीन बाबू किसी कर ओके नवीन बाबू किसी कर पारे बोली खुशी बहुत खुशी लगे बाबूशान आप जन एमती एक्टर जी तीन दल प्रचार करछन मां कांग्रेस रे जेते बेले थिले कांग्रेस प्रचार रे जाइथिले मां बीजेपी रे थिला बेले को बीजेपी प्रचार रे जाइथिले एथरो नवीन पटनायक प्रचार रे गले को प्रचार बेसी स्पेशल थिला मां को पई प्रचार स्पेशल ना एटा नवीन बाबू को पई जो प्रचार करले स्पेशल थिला तीनटा जको प्रचार मु पई स्पेशल थिला काहेकि ना तीन थर जाक मु केबे पॉलिटिकली प्रचार करनी ओके तीन थर जाक मुझे जा मोराली मुझे प्रचार करने मोर कौन पॉलिटिकल एंगल नथिला प्रचार कि मु कौन पॉलिटिकल फेवर नाप जा प्रचार करने ना मु टिकेट ना मु कौन पॉलिटिकल फेवर पर जा ना मु पार्टी जॉइन करके जा प्रचार करने दुई थर मो माँ जा एथरक मु नवीन बाबू ओके बाबूशान आप प्रचार करेतु कौन पॉलिटिकल मोटिवेशन ना कि आम शुणीचु मो कथा भूल हो पारे जे स्टार मान को मोटा टंका मिले प्रचार करने कथा सत कि शुणु यहाँ अनेस्ट कथा कहीदे आपको मुझे कह भी मिले तेल बहुत भूल हम आज्ञा जो स्टार मैंने ट्रावेल करती एत बाट जो स्टार मैंने रुहती खाइबा ना बिलकुल रही आउ तंकर पर डे एक्सपेंसेस डेली अलाउंसेस एटा मिलिबोनी हां बिल्कुल निश्चय मिलिबो नै मु सेहिते पई मोटा अंक बोली व्यवहार करले टंका त मिलिबो आपन जिबे निश्चय मिलिबो तंकर फेस वैल्यू रे जो लोकमानक भिडो हुए तटा निश्चय मिले ओके मिलेनी कहिबी जदी बहुत भूल हबो एटा पार्टी तरफ निश्चय मिले आपन कहुतले किछि दिन पूर्वरु एवं किछि इंटरव्यू रे जे मां क सहित गोटे सिनेमा रे आसुचंती बोली किछि आसुचे परवर्ती समय रे सिनेमा एथरे मां अछंती के अच्छा सरप्राइज रोल गोटे अच्छा ओके सब रिवील करेंगे आप घर कथा जदि कह के पारिवारिक लाइफ चली बढ़िया चलती पुओ बड़ है लानी, स्कूल गला बहुत दुष्टामी कर समय बिताऊँ आप नहीं हाँ हाँ ये दी तीन वर्ष रु पाने बहुत प्रकार काम करती आप कौन लगुच पु क्या भाया कौन हम भविष्य माँ बापा कह कि आ भल हेसी का भाया है मो भाया है माँ भाया है बदमास के क्रिएटिव 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 लोक बदमास था बाबूशान आप सिनेमारे गीत गाइंट बहुत सुंदर गीत टे गई से गीत ऑफर पाई ना आप कहले मु गायबी बोली मुझे आउ थे आज पर्यंत प्रड्यूसर हो गौरव को कहनी मत गोटे गीत दब गौरव कहले आप गात गीत से गीत दिल शुणा कि बहुत भल इटिकिली खेले ना सखी हृदय दुआरे तोर हाथ को रखी कागज को मोड़ी दे बीड़ी परी पिला दिने टाणु थिलु मो सांगे बोली तते नहीं केते गप मु भाविली गाँ पोखरी कुमारी लखिए गोड़ी मो बारिकानी के बे सुखी बकी छीट पका तोर से नाली साड़ी थैंक यू सो मच बहुत सुंदर बाबूशान आपण जने भलो सिंगर ना भलो एक्टर सिंगर भलो जी एक्टिंग सिखुची एक्टिंग सिखुचंती आपण भलो ऑब्जर्व करि परंती बोली आपण सब वेळे कोंते गीत बधे शीघ्र ऑब्जर्व करि परंते गीतटा मु बहुत छोटो बळु सिखि छी मु हिंदुस्तानी वोकल 5th ईयर मु पास कर छी एक्टिंग सिखि नांते गीतटा मु अजा मु आई क्लासिकल सिंगर हां
ମୋର ମାମା କ୍ଲାସିକାଲ ସିଙ୍ଗର ସେପଟ ସାଇଡ଼ର ଫ୍ୟାମିଲିର ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଗୀତରେ ପୁରେଇଲେ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ, ତ ମୁଁ ଗୀତଟା ଥିଲା ଇନବିଲ୍ଟ ଥିଲା ମୋର, ଆକ୍ଟିଂଟା ବଦମାସି କରିକରି ଶିଖିଗଲି। ବାବୁସାନ ଗୋଟେ କଥା ଆଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନୁହେଁ, ଯେତେ ବି ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି ଯାହାକୁ ପଚରା ହେଇଛି ତମ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର କି, ସମସ୍ତେ ବାବୁସାନ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାବୁସାନ କହିଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ରହିଛି କି? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଯିଏ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କଥା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇସ୍ୟୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେ, ସେଇଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବହୁତ ସମୟରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଡବିଂ ହେଇଛି, ପାଟି ଟିକେ ମିଶୁନଥିବ, ବହୁତ ସିନେମାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଜଣ ଡରନ୍ତି ସିଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସିଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡଟା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ଡରନ୍ତି, ୱେଲ୍ ଭର୍ସଡ୍ ଆକ୍ଟର ନଥାନ୍ତି ଯଦି ସେଟ୍ରେ ସିଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଡରନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜଣ, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଡବିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଓକେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସିଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡଟା କ'ଣ କି ସେଇଠି ଲାଇଭ ଆମେ ସୁଟ୍ କଲାବେଳକୁ ହିଁ ସିଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡରେ ସୁଟ୍ ହେଇଯାଏ, ପରେ ଡବିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ସିଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯାହା ଆମେ ସୁଟ୍ କରିଥିବୁ ସେଇ ଫ୍ଲୋରେ ହିଁ ଆକ୍ଟିଂଟା ହେଇଯିବ, ତ ଡବିଂ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି କି ଯେ ହିରୋଇନ୍ ବେସ୍ଡ ମୁଭି ବି ଚାଲିବ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବେସ୍ଡ ମୁଭି ବି ଚାଲିବ? ହିରୋଇନ୍ ବେସ୍ଡ ମୁଭି ଚାଲିବ ଯଦି ସେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ, ସେମିତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ହେବ, ସେଇ ଲେଭେଲର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ, ମାର୍କେଟିଂ ହେବ, ସେମିତି ଯେଉଁଟା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଥାପି ବାବୁସାନ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି କି, ଆପଣ ଯେହେତୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲୋକ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସିନେମା ଆପଣ କରିବେ କି ଯେଉଁଥିରେ ଫିମେଲ୍ ବଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ, ଆପଣ ବି ସେଥିରେ ଥିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା ହିରୋଇନ୍ ବେସ୍ ସିନେମା, ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ଚାଲିଥିଲା, ରଚନା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସିନେମା ଚାଲିଥିଲା, ରଚନା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସିନେମା ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ରଚନା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସିନେମା ହେଉଥିଲା, ଲେଖା ବି ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିନେମା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସେମିତି ଲେଖା, ସେମିତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଦରକାର, ସେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦରକାର।